क्या आपके मन में भी बार बार गंदे और बुरे विचार आते हैं जो आपका सुकून छीन लेते हैं? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में हम आपको देंगे ऐसे आसान और असरदार तरीके जिनसे आप अपने मन को पा सकते हैं शांति, पवित्रता और सकारात्मकता। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एक, पहला तरीका, विचारों को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। अक्सर हम बुरे विचारों से डरते हैं और उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये विचार तब और ताकतवर हो जाते हैं। सबसे पहले इन विचारों को स्वीकार करें। खुद से कहें, ये विचार अस्थाई है और ये मेरा असली स्वभाव नहीं है। जब आप इन्हें स्वीकारते हैं तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। दूसरा तरीका, ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालें। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। रोजाना केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके विचारों की गुणवत्ता को सुधार सकता है। ध्यान से आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और धीरे धीरे बुरे विचार कम होते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन के विचारों के प्रति सजग होते हैं। तीसरा तरीका, सकारात्मकता का साथ चुनें। आपके आसपास का माहौल आपके विचारों को बहुत प्रभावित करता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो सकारात्मक हों, जो आपके जीवन में अच्छाई लाने में मदद करें। सकारात्मक लोगों का साथ आपके मन को स्वच्छ और निर्मल बनाने में मदद करता है। कोशिश करें कि आपके जीवन में ऐसे लोग हों जो आपको ऊर्जावान और प्रेरित रखें। चौथा तरीका, रचनात्मक कामों में व्यस्त रहें। जब भी बुरे विचार आपको परेशान कर, किसी रचनात्मक काम में खुद को व्यस्त कर लें, चाहे वो पेंटिंग हो, गाना गाना हो या कुछ लिखना। ये चीजें आपके मन को शांति देती हैं और बुरे विचारों को दूर रखती। खुद को ऐसा लक्ष्य दें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे करके आपको खुशी मिले। पांचवा तरीका, आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन सुबह या रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार महसूस करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ और शांत हो जाता है, हमारे विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। आभार व्यक्त करना हमारे मन की नकारात्मकता को धीरे धीरे मिटा देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपने मन से गंदे और बुरे विचारों को बाहर निकाल सकते हैं। याद रखें, ये एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा असर ला सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ। धन्यवाद।